ओम शांति। आप में से हर कोई ने लच्छू दादी जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। लच्छू दादी जी ईसु दादी जी की लौकिक में छोटी बहन थी। साकार ब्रह्मा बाबा व दादी जी को भोजन खिलाने की सेवा आप बहुत ही प्यार से करती थी। गुरुवार को बाबा को भोग ऑफर करने के दिन आप बहुत ही स्वच्छता से सब तैयारी करके भोग की थाली स्टेज पर ले आती थी। बहुत ही चुस्त फुर्त सदा एक्टिव नज़र आती थी। मधुबन का फैंसी स्टोर भी आप संभालती थी। अचानक आप बीमार होने के कारण एक दिन ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट रही। दूसरे दिन अहमदाबाद ले जाने के समय रास्ते में ही आपने अपने पुराने तन का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। बाबा की चौपड़, गीता, खिलौने आप दिखाने के लिए समय प्रति समय स्टेज पर ले आती थी। कई बार दादी जी मुरली सुनाते सुनाते फूलों की बात आती तो फूल दिखाने के लिए आप फूल भी ले आती थी। ऐसी महान पुण्यात्मा की आज पुण्यतिथि पर उनकी विशेषताओं से संबंधित एक कविता की कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनिए। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। खेल खिलौने बाबा के गीता चौपड़ दिखलाती। कभी कभी तो राम और सीता का खिलौना लाती। खेल खिलौने बाबा के गीता चौपड़ दिखलाती। कभी कभी तो राम और सीता का खिलौना लाती। चंपा चमेली और मोतिया कब गुलाब ले आती। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। मीठे प्यारे शिव बाबा को पहले भोग लगाती। ब्रह्मा बाप और दादी जी को भोजन आप खिलाती। मीठे प्यारे शिव बाबा को पहले भोग लगाती। ब्रह्मा बाप और दादी जी को भोजन आप खिलाती। आप थी हल्की उड़ती रहती कहीं भी आती जाती। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। चलते फिरते सहज बनी अव्यक्त वतन की भांति। चलते फिरते सहज बनी अव्यक्त वतन की भांति। नहीं किसी से सेवा ली चल पड़ी थी हंसते गाती। नहीं किसी से सेवा ली चल पड़ी थी हंसते गाती। ब्रह्मा बाप और दादी जी संग याद आप भी आती। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। बाबा के अंग संग रही थी वो थी लच्छू दादी। ओम शांति। लच्छू दादी जी ने 14 अगस्त 2010 को अपने पुराने शरीर का त्याग किया था। तो ऐसी महान आत्मा को उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।